हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार की स्पेसिफिकेशन के बारे में आने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार और टावर वैगन। तो सबसे पहले इसका जो फीचर है नंबर एक, वो है हमारा ट्रैक गेज। हमें मालूम तो ट्रैक गेज हो गया 1676 mm। व्हील डाया क्या हो जाएगा नंबर दूसरा है हमारा, तो न्यू व्हील डाया है वो है 952 mm का, ये न्यू हो गया। 870 mm हो जाएगा फुली वॉर्न, और 14.5 mm हो जाएगा हाफ बॉर्न। ये व्हील डाया हो गया हमारा। नंबर तीसरा हो जाएगा मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व, ये है हमारा 175 mm। व्हील अरेंजमेंट कैसा होगा, कितने व्हील हैं, सबसे पहले तो मैं इसको आपको बता दूं कि ये हमारा 8-wheeler होता है यानी 4XL। तो व्हील का अरेंजमेंट क्या होगा हमारा, व्हील अरेंजमेंट हो जाएगा BO ऑल एक्सेल आर इंडिपेंडेंटली पावर्ड, सभी एक्सेल जो हैं वो खुद से पावर्ड हैं, पावर जनरेशन हो सकता है। एक्सेल लोड क्या है, तो एक्सेल लोड हो गया 18 टन, ये इसका मैक्सिमम एक्सेल लोड है। गियर रेशियो क्या है, तो गियर रेशियो हो गया हमारा 20/91, ये गियर रेशियो हो गया। ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, तो ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी 100 km/h। 8 point हो जाएगा हॉलिंग कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी हो जाएगी 150 टन अप्रोक्सीमेट है लगभग है। 9 हो जाएगा क्लियरेंस बिटवीन, क्लियरेंस अबव रेल लेवल, तो ये जो हमारा क्लियरेंस है मिनिमम 102 mm विथ कोच फुली लोडेड, जो हमारा कोच है वो पूरी तरह से लोड हो, एंड व्हील्स इन फुली बॉर्न कंडीशन, यानी व्हील हमारे पूरी तरह से बॉर्न हो और कोच में पूरा लोड हो, उस कंडीशन में मिनिमम जो हमारी रेल लेवल से इसकी हाइट है वो 102 mm है क्लियरेंस जिसम का। इनपुट टू ट्रैक्शन मोटर कितना है, इनपुट टू ट्रैक्शन 620 horsepower हमारा इनपुट टू ट्रैक्शन मोटर है गया। पावर ट्रांसमिशन क्या है, तो पावर ट्रांसमिशन AC DC है। ब्रेक सिस्टम हमारा क्या है, तो ब्रेक सिस्टम हमें मालूम है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है। ये मैंने आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताए। अब हमें इनके पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ DETC डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार। तो सबसे पहले तो एक इसमें डीजल इंजन चाहिए, डीजल इंजन। नंबर दो जो हो जाएगा हमारा वो ट्रैक्शन अल्टरनेटर, नंबर तीसरा हो जाएगा ट्रैक्शन मोटर, नंबर चौथा हो जाएगा पावर रेक्टिफायर, नंबर फिफ्थ हो जाएगा ऑक्सिलरी अल्टरनेटर, नंबर सिक्स हो जाएगा हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक,
लिफ्टिंग एंड सी वेलिंग प्लेटफॉर्म। नंबर 7 जो हो जाएगा हमारा बैटरी, एंड नंबर 8 हो जाएगा हमारा डीजी सेट। ये 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार के। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा डीजल इंजन वो है वो एमएस किलोस्कर क्यूमेंस मेकर है। टाइप क्या हो जाएगा VTA 17101 टर्बोचार्ज वाटर कूल्ड रूफ माउंटेड रेडिएटर इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग मोटर बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर ETC। ये सारी चीजें हमारी इसके टाइप में, यानी डीजल इंजन में हमारा टर्बो चार्ज्ड है, वाटर कूल्ड है, रूफ माउंटेड रेडिएटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग मोटर है, बैटरी चार्जिंग एक अल्टरनेटर दिया गया। ये हमारा हो गया डीजल इंजन। पावर रेक्टिफायर ट्रैक्शन अल्टरनेटर किस लिए होता है, ट्रैक्शन अल्टर वो किसका है, एमएस क्रॉम्पटन का है। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा ट्रैक्शन अल्टरनेटर। तो ये इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है एमएस क्रॉम्पटन। ग्रीव्स लिमिटेड इसका जो टाइप है वो हमारा C1002TA। ये इसका वो हो गया, तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसका जो मेकर है वो है MS वेल जो भोपाल में है। इसका जो टाइप हो जाएगा TA7006। ये इसका टाइप हो गया। जो ऑक्सिलरी अल्टरनेटर है वो हमारी 120 एम्पियर आवर की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए, जो इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, ब्लोअर है, कंट्रोल सिस्टम है, उन सब के लिए एक ऑक्सिलरी अल्टरनेटर लगाया गया है। पावर रेक्टिफायर किस लिए लगाया गया है, पावर रेक्टिफायर जो हमारा है उसमें डायोड्स लगे हैं, रिलेज हैं, माइक्रो स्विच हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर हैं। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है जो पावर रेक्टिफायर है पावर को डीसी एसी जो पावर है, मैंने बताया पावर ट्रांसमिशन कैसा है एसी डीसी है, तो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना वो पावर रेक्टिफायर का काम है। एक डीईटीसी पे 4 ट्रैक्शन मोटर हमारी लगी होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि पावर को जनरेट करना। जिनमें पिनियंस होते हैं, आर्मेचर होता है, वो हमारी ट्रैक्शन मोटर में होते हैं। जबकि हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक लिफ्टिंग एंड स्वेलिंग प्लेटफॉर्म क्या है, इसका काम, इसको कब यूज करते हैं, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मूवेबल होता है। जब OHE ओवरहेड इक्विपमेंट्स हमारे उनमें डैमेज हो जाते हैं ब्रेकडाउन के दौरान, तो उनकी मेंटेनेंस करने के लिए, उनकी पेट्रोलिंग करने के लिए, उनको चेक करने के लिए हम इस हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक लिफ्टिंग एंड स्वेलिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, यानी लिफ्टिंग और स्वेलिंग के लिए जो हमारे लिफ्टिंग है या लोअरिंग है उसके लिए हम इसमें हाइड्रोलिक तरीके से इनकी ऑपरेटिंग करते हैं। बैटरी जो है, बैटरी इसमें दो प्रकार की हमारी बैटरी यूज की जाती हैं, दो प्रकार की बैटरी हैं, दो डीजी सेट हैं इसमें हमारे। एक जो डीजी सेट है वो हमारा हो जाएगा, एक डीजी सेट जो है हमारा वो है 7.5 किलोवोल्ट एम्पियर का, और दूसरा जो डीजी सेट है वो हमारा है 2 किलोवोल्ट एम्पियर का। ये दो हमारे, जो पहला वाला डीजी सेट है 7.5 केवी का, ये हमारा ड्रिलिंग मशीन वगैरह के लिए कंट्रोल पैनल में लिफ्टिंग लोअरिंग उन सब में काम आता है, जो जबकि दूसरा डीजी सेट है ये हमारा ब्रेक डाउन के दौरान नाइट में अगर हमें काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए जो हमारी 4 हेलोजन
500 वाट की 4 हेलोजन लाइट होती हैं, उनको जलाने के लिए हम इस डीजी सेट का उपयोग करते हैं। बैटरी मैंने आपको दो बताई, तो दो बैटरी जो है वो कौन कौन सी हैं, तो एक होती है हमारी स्टार्टिंग बैटरी और दूसरी होती है कंट्रोल सप्लाई बैटरी। स्टार्टिंग बैटरी जो है हमारी वो 24 वोल्ट की होती है, जबकि जो कंट्रोल चार्ज बैटरी है ये हमारी 115 वोल्ट की होती है। तो ये दो प्रकार की हमारी बैटरीज हैं जो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार में यूज की जाती हैं। तो दोस्तों ये रहे इसके फीचर्स। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।